तो पहले जो आप शुरू में जब आपने शुरुआत की तो आप साइड में वो चला रहे थे बॉक्स में कि मुसलमानों के लिए कहाँ पे क्या हुआ, कितने करोड़ का रोजा अफ्तार हुआ, कितने करोड़ में क्या इनाम बांटे गए, गिफ्ट बांटे गए। आपको उसमें ये भी चलाना चाहिए था कि कितने 100 करोड़ रुपए में कुंभ का मेला लगाया जाता है। और आपको ये भी बताना चाहिए था उस बॉक्स के अंदर कि कितने 1000 करोड़ रुपए में अयोध्या में हर साल कितना तेल का 1000 लीटर जलाया जा रहा है, वो कितने करोड़ रुपए, कितने 1000 करोड़ का वहां पूजा पाठ हो रहा है, वो मंदिर बन रहा है। आपको बताना चाहिए था। देखिए, आसिम वकार कभी ना किसी धर्म के खिलाफ थे, ना किसी देवता भगवान, ना किसी खुदा के खिलाफ थे और ना कभी होंगे। 1 लाख रुपए डीएम साहब के हवाले किए गए हर जिले में, 75 जिले, 75 लाख रुपए, 18 करोड़ हिंदुओं का त्यौहार। अब लखनऊ में करीब 30-32 लाख हिंदू हैं। डीएम साहब को आपने 1 लाख रुपए दिया तो 1 रुपए प्रति हिंदू भी नहीं आया खर्चा, 10 पैसे प्रति हिंदू भी नहीं आया, 0.03 पैसे प्रति हिंदू रामनवमी पे आप खर्चा कर रहे हैं और ढिंडोरा इतना पीट रहे हैं। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सरकार 66 करोड़ इफ्तार पर खर्चा कर देती है वो ठीक है, रमजान पर 29 करोड़ के गिफ्ट बांटे जाते हैं वो ठीक है। तो दीजिए सर, आप आपकी प्रॉब्लम जानते क्या है, आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल अभी एकदम ताजे ताजे पेट्रोल भरवा के आए हैं, आपकी स्पीड बहुत है, पिकअप बहुत है आपका, आप बोल नहीं दे रहे किसी को, आप सुनिए तो हम लोग की बात। पहले सेक्युलरिज्म असीम बकार था, मेरा पेट्रोल कब का भरा कब का नहीं भरा सर उसकी चिंता मत करिए, सुन लीजिए मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मेरा पेट्रोल कब भरा गया नहीं भरा गया सर उसकी चिंता मत करिए। आप सोचिएगा मैंने क्या बोला है, अभी 3 दिन की मैंने खुराक दी अभी आपको। नहीं नहीं, आप सोचिएगा सर, मैंने आपको बहुत दिन की खुराक दे दी है, कम से कम आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है सर असीम बकार साहब, वो आप हंसी है, ये बार बार बात होती है चर्चा में, आप इतना टेंशनाइज क्यों? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, आप हंसकर अपनी टेंशन को छिपा रहे हैं, आप हंसकर सर अपनी टेंशन को छिपा रहे हैं और ये सच है, आप नकार नहीं सकते कि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिम है और वो सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है। महंत जी, फिर उसके बाद राकेश जी मैं आपके पास आऊँ। गोदी की चाटुकारी का देख समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बिफर गए और गोदी एंकर को बीच डिबेट में धो डाला। ये तो आपने सपा वर्सेज भाजपा बना दिया कि मैं बीजेपी की कमियां बता रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी की कमियां बता रहे हो, हालांकि कोई बीजेपी के प्रवक्ता भी आपने बैठा रखे हैं, उनके लिए तो आप काम छोड़ेंगे ही नहीं, जो उन्हें काम करना था वो तो आप पहले ही कर देंगे। वो मैं काम कर लूंगा सर, वो मैं काम कर लूंगा, उसकी चिंता आप मत करिए सर, आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने अभी अनुसूचित जातियों का हवाला दिया कि बीजेपी ने यह अत्याचार कर दिया था, 2014 में आपने क्या किया था? मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग बात है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की आलोचना सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है, आपको पीड़ा होती है, आप बीच में चिल्लाने लगते हैं, आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने लगते हैं, जो कि एक पत्रकार का काम बिल्कुल भी नहीं है।